Hi guys, hello and welcome to Shakir Khan Fitness. I am your fitness coach Shakir Khan. I am very excited today because आज मेरा आप लोगों के साथ में पहला interactive video है जिसमें मैं आप लोगों के साथ में interaction करने वाला हूँ. तो इस video में मैं आपको ये बताने वाला हूँ guys कि मैंने ये YouTube channel क्यों start किया, क्योंकि यहाँ पर अगर आप YouTube पर देखिए तो यहाँ पर बहुत सारे दिग्गज लोग पहले से बैठे हुए हैं जिन्होंने YouTube चैनल स्टार्ट कर चुके हैं एंड दे आर वेरी सक्सेसफुल विद देयर YouTube चैनल. बट मेरा रीज़न YouTube चैनल स्टार्ट करने का थोड़ा सा अलग है गाइस, क्योंकि इट स्टार्टेड विद समथिंग फ्रॉम अ कॉर्पोरेट सेक्टर. एक्चुअली मैं दो महीने पहले मैं एक कॉर्पोरेट ऑफिस में गया था. एक्चुअली नॉट अ कॉर्पोरेट ऑफिस, इट वॉज अ कॉर्पोरेट एस्टेट. बहुत बड़ा कॉर्पोरेट का मतलब एस्टेट था. तो वहाँ पर मैं गया और यहाँ पर लकीली मुझे इनका जो कॉर्पोरेट्स के जितने भी क्लाइंट जितने भी एम्प्लॉयज़ थे इनका मुझे बॉडी कॉम्पोजिशन मतलब उनका जो फिटनेस टेस्टिंग करने के लिए मुझे बुलाया गया था. तो जब मैंने फिटनेस टेस्टिंग स्टार्ट किया इट वॉज फॉर वन फुल डे. तो मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक मेरे ख्याल से 200 से 250 लोग आए थे फिटनेस टेस्टिंग करवाने के लिए, जिनका मैंने फिटनेस का असेसमेंट किया था. तो इस असेसमेंट से हमें ये पता चला, हम लोगों ने जब इसका सर्वे किया और जब हमें इसका रिजल्ट्स आउट हुआ तो हमें ये पता चला कि इस टेस्ट में 250 लोग थे लेकिन 70% लोग ऐसे थे जो ओबीस कैटेगरी में थे गाइस. इमेजिन, मतलब अगर 250 में से 70% लोग ओबीस कैटेगरी में हैं और उसके अलावा 20% लोग ऐसे थे जो के अपना वर्कआउट कर रहे थे, बट वो उनका वर्कआउट कैसा था कि वो सिर्फ ब्रिस्क वॉक कर रहे थे. मतलब वर्कआउट है उनके हिसाब से, वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि वो एक्टिविटीज़ उनको बेनिफिट देने वाली है नहीं. बस उनके हिसाब से उनको ऐसा लग रहा है कि हम फिट हैं क्योंकि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं. तो वो लोग भी जो थे उनमें से 20% लोग जो थे वो ओबेज में तो नहीं थे बट ओवरवेट कैटेगरी में थे डिपेंडिंग अपॉन देयर BMI एंड देयर फैट परसेंटेज. और सिर्फ 10% गाइस, बिलीव मी, सिर्फ 10% लोग थे जो एवरेज फिट थे. मतलब जो प्रॉपर अभी जिन्होंने प्रॉपर वे में वर्कआउट स्टार्ट किया है, या कुछ लोग ट्रेनर के साथ वर्कआउट कर रहे हैं, या कुछ लोग ने अभी जिम स्टार्ट किया 3 महीने पहले तो उनका थोड़ा फिटनेस लेवल अच्छा लग रहा था. तो एवरेजली फिट लोग थे. एंड बिलीव मी गाइस, ये मेरे लिए बहुत हार्ड ब्रेकिंग था. और मुझे मैं आज 14 ईयर्स, मैं अपने बारे में भी कुछ बता दूं चलो आप लोगों को. मैं आपको बता दूं कि मैं पिछले 15 साल से अप्रॉक्सीमेटली 15 साल से मैं फिटनेस इंडस्ट्री में हूं. और मैंने अपना करियर एज अ स्विमिंग इंस्ट्रक्टर स्टार्ट किया था आज से 15 साल पहले. लेकिन मेरा जो फिटनेस को लेके जो इंटरेस्ट था वो हमेशा से था, बचपन से था. तो मेरा जो इंटरेस्ट था उसने मुझे इतना आगे पुश किया फिटनेस के लिए कि आज मैंने फिटनेस को ही अपना करियर बनाया है और मैं बहुत लोगों की हेल्प कर रहा हूँ टू बिकम फिटर एंड हेल्थियर इन देयर लाइफ. तो इस तरह से मैंने अपने आप को काफ़ी अपग्रेड किया है. मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए हैं फिटनेस के, पर्सनल ट्रेनर के, जिम के, फंक्शनल ट्रेनिंग के, प्लस किक बॉक्सिंग का मैंने कुछ कोर्स कर रखा है. उसके अलावा मैंने अभी रिसेंटली मैंने स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन का भी कोर्स फिनिश कर लिया है अपना. तो आई एम नॉट जस्ट ऑल्सो, हाँ जैसे मैंने आपको बताया मैंने स्विमिंग स्टार्ट किया एज अ स्विमिंग, मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो मैंने स्विमिंग को भी छोड़ा नहीं है. और एक और बात मुझे आपको बतानी थी भाई, कल संडे है विच इज 15th of April और कल मेरा स्विमिंग कॉम्पिटिशन है माटुंगा जिम खाना में. तो आई एम पार्टिसिपेटिंग इन अ 50 मीटर्स फ्री स्टाइल एंड 50 मीटर्स ब्रेस्ट स्ट्रोक स्विमिंग कॉम्पिटिशन. तो इस तरह से मैं अपने आप को भी फिट रखता हूँ और मेरा पैशन है तो इसलिए मैं ये कर रहा हूँ. तो ये जब मैंने असेसमेंट्स वगैरह किए, लेट्स कम बैक टू द सेम पॉइंट, इस असेसमेंट में ये देखने के बाद में मुझे थोड़ा सा धक्का लगा और मुझे ऐसा लगा कि यार हर कोई जो भी यूट्यूबर्स है, हर कोई मोस्ट ऑफ देम दे आर डूइंग फिटनेस के ऊपर जो भी वो लोग कर रहे हैं वो बहुत ही एडवांस लेवल पे कर रहे हैं या इंटरमीडिएट लेवल पे कर रहे हैं. लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं उस 90% क्राउड को हिट करूं जो कि सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं, जो बेसिक लेवल पे है या बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे, जो ओबेस कैटेगरी में पहुंच गए हैं एंड जो के लोग अपने इम्यून सिस्टम जिनका वीक हो चुका है और जो के बीमारियों को दावत दे रहे हैं. तो मैं उन लोगों के लिए मैंने ये YouTube चैनल स्टार्ट किया है. मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इंटरमीडिएट और एडवांस के लिए वीडियोस नहीं बनाऊंगा. तो मेरे जो वीडियोस होंगे स्पेशली उन लोगों के लिए होंगे जिनको मैं मोटिवेट कर सकूं ताकि वो अपना वर्कआउट स्टार्ट करें, अपने फिटनेस को प्रायोरिटी बनाए गाइस, फिटनेस को अपनी लाइफ में प्रायोरिटी बनाए. क्योंकि आप
आप खुद सोचिए कि आज की तारीख में हमारा जो लाइफस्टाइल है कितना सेडेंटरी हो चुका है। हम लोग वर्कआउट को अगर नहीं सीरियसली लेंगे तो हमारी बॉडी, हमारा माइंड, हमारा पूरा सिस्टम क्रैश डाउन हो जाएगा गाइस। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आपको मैं एक मौका दिया कि आपको लाइफ टाइम में, आपके पास भले ही बहुत सारे पैसे, लेकिन आपको अगर एक ही मौका मिलता है कि आप अपनी लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही स्पोर्ट, एक ही बाइक या एक ही कार, कोई भी एक व्हीकल खरीद सकते हो, या बाइक हो या कार, तो आप अपनी लाइफ में किस तरह का बाइक या किस तरह का कार खरीदना चाहोगे? मैं तो चाहूंगा कि मैं सबसे बेस्ट क्वालिटी का कार या सबसे बेस्ट क्वालिटी का बाइक खरीदूं, जो कि स्पोर्ट्स कार हो या स्पोर्ट्स बाइक हो, जिसकी माइलेज बहुत अच्छी हो, जिसका पिकअप बहुत अच्छा हो, जिसका लुक बहुत अच्छा हो, फिजिकली जो बहुत अच्छी लगे, लोगों को अट्रैक्टिव लगे। सेम वे गाइस, सेम वे आपकी बॉडी को इमेजिन कीजिए। आपकी बॉडी आपकी लाइफ की सबसे एक ही बॉडी मिली है आपको। आप खुद उसे इमेजिन कीजिए कि आप उसको किस तरह का बनाना चाहते हो। आप उसको स्पोर्ट्स कार बनाना चाहते हो, उसको अच्छा फ्यूल देना चाहते हो, उसको अच्छी तरह से ट्रेन करके उसको बेटर शेप में लाना चाहते हो, या फिर अपनी बॉडी को आप एक जंक कार, अगर आप किसी कार को भी मेंटेन नहीं करोगे, अगर मान लीजिए आपने वर्ल्ड की टॉप मोस्ट ब्रांड न्यू कार ले ली है, स्पोर्ट्स कार ले ली है, सबसे बेस्ट वाली, लेकिन अगर आप उसको भी मेंटेन नहीं करोगे, उसको अगर आप रनिंग नहीं रखोगे, अगर आप उसको रन नहीं करोगे, अगर आप उसमें अच्छा फ्यूल नहीं डालोगे, अगर आप उसको ठीक से मेंटेन नहीं करोगे, तो वो भी जंक हो जाएगी गाइस। थोड़े से कुछ सालों बाद वो भी जंक हो जाएगी, उसको जंक यार्ड में डालना पड़ेगा। सेम वे गोस टू योर बॉडी ऑल्सो गाइस। अगर आप अपनी बॉडी का ख्याल नहीं रखोगे, अगर आप उसकी केयर नहीं करोगे, अगर आप वर्कआउट नहीं करोगे, तो आपकी बॉडी भी जंक हो जाएगी गाइस। उसको जंक लग जाएगा और फिर आप उसको कुछ सालों में उसको फिर जंक यार्ड में डालना पड़ेगा, जो कि हॉस्पिटलाइज वगैरह होना पड़ता है। और आजकल हर कोई एक्सपीरियंस कर रहा है गाइस, एवरीबॉडी एक्सपीरियंसिंग मेडिकल इश्यूज, फिजिकल इश्यूज। इसीलिए आज की तारीख में फिटनेस इंडस्ट्री जितना बूम हो रहा है, उससे कई ज्यादा मेडिकल इंडस्ट्री भी बहुत ज्यादा बूम हो रहा है, क्योंकि लोग बहुत बीमार पड़ रहे हैं। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ हैविंग अनहेल्दी फूड। आजकल हमारा खाना भी अच्छा नहीं होता है, खाने में भी बहुत सारे पैकेज फूड आ गए हैं, तो ये सब चीज़ों से बहुत नुकसान होता है। सो दिस इज व्हाट आई वाज अबाउट टू से गाइस, कि जब मैंने वो असेसमेंट किया, तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि जब मेरे पास नॉलेज है और अगर मैं आप लोगों को फिट कर सकता हूँ, अगर मैं आप लोगों के साथ में कुछ ऐसी बातें शेयर कर सकता हूँ जिससे अगर वो 90% लोग, मैं आई एम अगेन टेलिंग यू गाइस, मेरा मेन फोकस वो 90% लोगों के ऊपर है जो कि अनफिट है और जो कि रॉन्ग डायरेक्शन में वर्कआउट कर रहे हैं, जिनका वर्कआउट ठीक से नहीं होता है और जिन्हें ऐसा लग रहा है कि वो अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं। अगर वो ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं, एक घंटे के लिए नॉर्मल वॉक कर रहे हैं, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि हमने एक घंटा वॉक किया है, वेल लेट मी टेल यू गाइस, वॉकिंग आपको हेल्प नहीं करने वाला। अगर आप एक साल से रोज एक घंटा वॉक कर रहे हो एट द सेम स्पीड, उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, क्योंकि आपको हर बार अपने वर्कआउट को ओवरलोड करना है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड जिसे कहते हैं, अपने वर्कआउट को ओवरलोड करना है, उसका वर्कआउट का इंटेंसिटी बढ़ाना है। अगर आप नहीं बढ़ाते हो तो आपका वर्कआउट कोई फायदा नहीं कर रहा है आपको। आप हो सकता है थोड़ी बहुत कैलोरीज बर्न कर लेते होंगे, लेकिन उससे आपको कोई मतलब नहीं, कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, ठीक है। लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए आपको हर बार, हर 2 महीने में, 3 महीने में या 6 महीने में, डिपेंडिंग अपॉन योर बॉडी टाइप, आपको अपना वर्कआउट को अपलोड, अपने आप का, अपने आप को, अपने वर्कआउट को अपग्रेड करना होगा और अपना वर्कआउट ओवरलोड करना होगा, जिसे कहते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गाइज मैंने ये YouTube चैनल बनाया है, और मैं चाहता हूँ कि आप अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में मेरा चैनल शेयर करें और इसे सब्सक्राइब जरूर करें गाइज, क्योंकि आगे चल के मैं बहुत सारे वाटर रिलेटेड वर्कआउट भी डालने वाला हूँ और लैंड, या दिस इज वन मोर स्पेशलिटी गाइज, क्योंकि मैं आपको वाटर ड्रिल्स भी बता सकता हूँ। आपको मैं कुछ ऐसे वर्कआउट बताऊंगा जिसमें अभी समर सीजन चालू है, तो वर्कआउट आप कर सकते हो, पानी के अंदर भी कर सकते हो गाइज। तो देर आर सर्टन ड्रिल्स, देर आर सर्टन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वर्कआउट इन वाटर ऑल्सो, जो आप समर सीजन में कर सकते हो। उसके अलावा मैं आपको कुछ लैंड वर्कआउट्स भी बताऊंगा, जिसमें आपको मैं फंक्शनल ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग और मेरे खुद के वर्कआउट वीडियोज भी डालूंगा मैं गाइज। तो अभी फिलहाल मैं आपको जैसे बता रहा था कि 15th अप्रैल, विच इज टुमारो, मेरा स्विमिंग कॉम्पिटिशन है, इसलिए पिछले 20 दिन से मेरा वेट ट्रेनिंग फिलहाल बंद था, क्योंकि जब मैं स्विमिंग के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ तो मेरा फोकस था स्विमिंग कंपटीशन का, तो इसलिए मेरा वेट ट्रेनिंग बंद था और मेरा डाइट भी थोड़ा सा चेंज हो गया था। मैंने इनफैक्ट 2 kg फैट लॉस किया है, बिकॉज मैं बहुत स्प्रिंटिंग और स्विमिंग कर रहा था, तो मेरा 2 kg वजन भी कम किया है मैंने, तो थोड़ा सा और रिप्ड हो गया हूँ मैं, विच इज़ गुड। तो अभी मैं इसलिए वेट ट्रेनिंग बंद था मेरा, और मैं फिलहाल मेरा फोकस सिर्फ स्विमिंग और स्प्रिंटिंग पे था, जिसका एक वीडियो मैंने आपको डाला भी था, जो आपने देखा होगा।
it was just a small part of my swimming workout. Okay guys, thank you for watching my video and I hope you enjoy this video and you will definitely share this thing forward. आप आगे बढ़ाएंगे इस चीज को और आप चाहेंगे कि 70 ये जो 90% लोग हैं जो वर्कआउट नहीं कर रहे हैं या फिर गलत डायरेक्शन में वर्कआउट कर रहे हैं उन तक ये मेरा चैनल पहुंचे, क्योंकि आगे चल के उनको बहुत सारे वीडियोज और बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज मिलने वाले हैं वर्कआउट से रिलेटेड, डाइट से रिलेटेड, हर चीज से, लाइफस्टाइल से रिलेटेड, मोटिवेशन से रिलेटेड. मैं इनको बहुत सारे वीडियोस बनाने वाला हूँ आगे चल के, लेकिन इसके लिए मुझे आप लोगों का साथ चाहिए. अगर आप लोग ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं अगर जो कर रहा हूँ वो अच्छी चीज कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ. इसलिए आप मुझे सपोर्ट कीजिए इस चीज के लिए और मेरा ये चैनल आगे बढ़ाइए. गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. दिस इज योर फिटनेस कोच शाकिर खान साइनिंग आउट फ्रॉम शाकिर खान फिटनेस. टिल देन टेक केयर. Bye-bye.